करो यार कुछ करो 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 करो, 10 दिन में करना है यार ट्रिप। हाँ डन है, पर फिर खींचनी पड़ेगी भाई। या फिर तुम कहोगे कि यार मेरे को आराम करना है, मेरे को यहाँ 2 दिन बिताने हैं, मेरे को नहीं, मेरे से हो गया, फिर ऐसा नहीं, 10 दिन में तो यार फिर खींचनी पड़ेगी भाई। हाँ ठीक है ओके, मेरे को कल तक बताओ, डन है, बाय बाय। बेसिकली क्या है कि अक्सर हम लोग ट्रिप पे जाते हैं और हमेशा ना दिन मैच नहीं करते हैं, कभी किसी को कम दिन की छुट्टी मिलती है, किसी को ज्यादा दिन की छुट्टी मिलती है। लद्दाख आपको मिलेंगे लोग 15-15, 20-20 दिन, 25 दिन, महीने भर के लिए भी लद्दाख ट्रिप पे निकल गए, पूरा सर्किट मार के जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बस यू नो बाइक चलाने का शौक है यार, छुट्टी मिलती नहीं है और लद्दाख भी घूमना है। तो आज का जो वीडियो ना मैं उसी को लेके बना रहा हूँ, और ये ऐसा आइटनरी के ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो अराउंड 10 डेज की है। तो शायद आपको लग रहा होगा कि 10 दिन में पूरा लेह लद्दाख का सर्किट फ्रॉम श्रीनगर टू मनाली है पूरा सर्किट करना, मतलब इट विल बी टफ, मतलब कि मतलब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देखो भाई हो तो सकता है, मैंने करा भी है। पर हाँ ये है कि ये आइटनरी उनके लिए है जिनको बाइक चलाने का शौक है और जिनको लंबी बाइक खींचने का मन करता है कि मतलब सुबह चले और शाम तक बाइक चला रहे हैं, यू नो दे एंजॉय दैट सॉर्ट ऑफ अ राइडिंग, देन उनके लिए आइटनरी इट्स ग्रेट, बिकॉज इसमें आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। शायद कुछ दिन आपको सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल लेट इवनिंग तक भी फुल डे राइड करनी पड़ेगी, बट इट्स अचीवेबल एंड डूएबल। और पॉइंट इससे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको लद्दाख करने को मिल रहा है 10 दिन में। कभी कभी क्या होता है कि लोग अक्सर 12-15-16-20 दिन के लिए जा रहे होते हैं या कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं कि यार नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना से करके आ जाएंगे, क्योंकि दिन नहीं है। ये 10 दिन की आइटनरी है, इसमें आप ऑलमोस्ट सारे टाइप के टेरेन्स जो भी वहाँ की यूनिक चीज है, सो यू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन 10 डेज। सो लेट्स गो टू द बोर्ड एंड गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस आइटनरी। सो हम अपने बोर्ड पे आ चुके हैं, और जो मैं भी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि वहाँ पे 10 दिन में हर चीज ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो कवर करने की। तो लद्दाख में अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फर्स्ट इज द लेक, सेकेंड इज highest road, landscapes मतलब कि वहाँ की जो वादियाँ हैं, जो beautiful मतलब जो वहाँ के चारों तरफ scenes हैं, मतलब कि जो you know जो views हैं, मतलब उसको मैं landscapes में कहूँगा कि वो एक ऐसे हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। fourth है आपका कोल्ड डेजर्ट, जो आपका नुब्रा है, यहाँ पे आपको डबल हम्प कैमल्स मिलेंगे जो आपको इंडिया में और कहीं नेचुरली एनवायरनमेंट में तो कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो डबल हम्प्स हैं वो आपको मंगोलिया की जो साइड है रशिया के पास, वहाँ पे आपको डबल हम्प, क्योंकि वहाँ पे वो भी डेजर्ट है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है। तो बेसिकली जो नुब्रा है दैट्स ऑल्सो अ कोल्ड डेजर्ट, जो बड़ा यूनिक एक लैंडस्केप है इंडिया में जो सिर्फ वहीं पे ही है, वहाँ पे आपको डबल हम कैमल की राइड करने को भी मिलेगी। और उसके अलावा आई विल से मॉनेस्ट्री, प्लीज माइंड अगर मेरी कोई स्पेलिंग रॉन्ग है, तो मॉनेस्ट्रीज जो है वहाँ की वो भी कुछ यूनिक हैं। तो इसके अलावा इफ आई से कि आपका फूड आ जाता है, जो आपका लोकल फूड है वो आप एंजॉय कर सकते हैं, भले ही वो श्रीनगर में कश्मीरी वाजवान हो, या फिर आप अपने ले साइड में आप अपना वो एक थुपका, जो भी तिब्बतन फूड है, जो आपका नूडल्स हैं, सूप है, जो वो आप एंजॉय कर सकते हैं। सो बेसिकली इन्हीं सब कैटेगरीज को मैं कहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट है, फूड, मॉनेस्ट्री, कोल्ड डेजर्ट, लैंडस्केप, हाइस्ट रोड ली। तो मैं जो आपको ये 10 डे की आइटनरी बता रहा हूँ उसमें आई विल ट्राई टू कवर ऑल दीज थिंग्स, यू नो। और लेक में इट्स नॉट जस्ट पैंगोंग, ऑल्सो लाइक डल लेक, सो दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक, वन इज लाइक फ्रेश वाटर लेक, वन इज द सॉल्ट वाटर लेक, द पैंगोंग इज द सॉल्ट वाटर लेक, and both have their unique characteristics. On Dal Lake you can enjoy a beautiful shikara ride, मतलब आप enjoy कर सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ के आप जो boat houses होते हैं उनमें भी रुक सकते हैं। और Pangong तो ऐसा आपको पता ही होगा, you know, three idiots ने ऐसा famous किया है कि बस क्या होता है। So let's start. So अगर हम यहाँ से start करें, if we take this is
आपका दिल्ली से हम स्टार्ट कर रहे हैं और दिल्ली से इफ वी गो वाया अम्बाला पानीपत करनाल पठानकोट एंड वी रीच जम्मू. So Delhi to Jammu is like 580 kilometers. So ये मैं मतलब अगर आप first day को अगर आप ले 10 जो हमारा 10 दिन का itinerary है. So the first day I'll say कि that we'll from Delhi to we go to Jammu और it's doable. 560 kilometers है highway एकदम मस्त है चकाचक road है कोई tension नहीं है एकदम first class. बस थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि road बहुत बढ़िया है तो you will tend to drive fast तो थोड़ा ध्यान रखें. और Delhi to Jammu, nothing very great about some normal roads, normal landscapes, and so this is just a little I'll say ki, because start of the day, aap, matlab, why I always say ki Delhi se Jammu agar aap circuit kar rahe hain, to aap Jammu wali side se jaye. So you can watch this video, jahan pe maine explain kara hai ki why the Jammu side is better according to me going from the Jammu side. From Jammu, so the next day from Jammu we'll go towards. Srinagar. So the second day is Jammu to Srinagar, which is like 250 kilometers. इसमें mostly सारा around 180, 190. I'll say कि around 200 kilometers ही पूरा पहाड़ी रास्ता है. तो time लगेगा आपको. आप सुबह जल्दी निकले जम्मू से और शाम तक पहुंच जाएंगे आसानी से बिकॉज वंस यू क्रॉस जवाहर टनल उसके बाद करीबन लास्ट आई विल से अराउंड 50 किलोमीटर प्लेन है कश्मीर वैली में आप घुस जाते हो श्रीनगर वैली में और जैसे जवाहर टनल क्रॉस करते हो वहाँ पे एक टाइटेनिक व्यू पॉइंट आता है क्रॉस करने के बाद वहाँ पे यू कैन हैव सम पिक्चर्स एंड फिर जब आप नीचे उतरते हो तो फिर एकदम से प्लेन्स आ जाते हैं तो लास्ट के 40 किलोमीटर श्रीनगर इट्स प्लेन. सो आप शाम तक श्रीनगर पहुंच जाएंगे उसी दिन शाम को अगर आप पहले से होटल की आपने प्लानिंग कर रखी है आप जाते ही लोगे तो इन द इवनिंग अगर आप सुबह जल्दी निकल जाओगे जम्मू से तो आप शाम को पहुंच जाओगे सूरज ढलने से पहले और उसके बाद यू कैन एंजॉय द डल लेक द शिकारा ऑन दैट डे ओनली इन द इवनिंग एंड एंड इवन यू कैन गो आउट एंड हैव डिनर. जो मैं कश्मीरी वाजवान की बात कर रहा था वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं आप वो एंजॉय कर सकते हैं डल लेक की राइड ले सकते हैं. आई थिंक 7 बजे तक 7 साढ़े 7 बजे तक और आपकी वो डल लेक में जो शिकारा राइड होती है वो आप कर सकते हैं. उसके बाद जाता है थर्ड डे. सो थर्ड डे फ्रॉम श्रीनगर विल गो टुवर्ड्स द द्रास क्रॉसिंग द जोजिला. जोजिला क्रॉस करने का आपको थोड़ा सा टाइम के बारे में पता करना पहले से पड़ेगा कि जोजिला क्रॉस करने के टाइमिंग्स क्या चल रहे हैं. जनरली जब आप श्रीनगर वाली साइड से जाते हैं तो आपको सुबह सुबह क्रॉस करने का जो विंडो होती है कि इतने घंटे से इतने घंटे आप सुबह उसको क्रॉस कर पाओ. तो बेसिकली अगर मैं थर्ड डे की बात करूँ तो श्रीनगर से विल क्रॉस यहाँ पे आपका आ गया जोजिला पास. उसके बाद आप जब क्रॉस करेंगे तो यू विल कम टू द्रास. द्रास के बाद आपका आ गया कारगिल. कारगिल के बाद आप आ गए यहाँ पे ले और कारगिल से ही जो आपका रूट जाता है जंस्कार के लिए. सो बेसिकली द थर्ड डे है आप श्रीनगर से डायरेक्टली ले आ सकते हैं. इट्स 283 किलोमीटर और जिसमें रोड बहुत बढ़िया है. वंस यू क्रॉस कारगिल से ले तो बहुत ही अच्छी रोड है. थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सोनमर्ग है. जोजिला क्रॉस करने से जस्ट पहले आपका सोनमर्ग आता है. श्रीनगर से सोनमर्ग भी रोड बढ़िया है पर सोनमर्ग से लेके आयल से जोजिला जैसे आप क्रॉस करते हैं दराज से थोड़ा पहले तक रोड थोड़ी सी डिस्टर्ब है खराब है क्योंकि बहुत हाई पास भी आप क्रॉस कर रहे हो. पर आपने अगर आप सुबह सुबह श्रीनगर से जल्दी निकल गए अराउंड लाइक इफ यू मूव 6:30 के करीब आप श्रीनगर से निकल गए तो आप और जोजिला की जो विंडो है वो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि उस टाइम पे आप क्रॉस कर पाओगे क्योंकि मैं जितनी बार भी गया हूँ सुबह वाली विंडोज थी आप सुबह जल्दी क्रॉस कर सकते हो. तो श्रीनगर से आप डायरेक्टली ले आ सकते हो 283 किलोमीटर विच इज डूएबल. मतलब कि एक बार जब मैं ले से आ रहा था आई थिंक 3 years back जब हम ले से वापस आ रहे थे श्रीनगर तो मैं ले से निकला था अराउंड आप यकीन नहीं मानोगे मैं सुबह निकला था करीबन 9:30 बजे मैं ले से निकला था
और शाम को मैं अराउंड 4 बजे 3:30-4 बजे मैं द्रास पहुंच गया था. बस क्योंकि विंडो नहीं थी जोजिला क्रॉस करने के लिए तो मेरे को पूरी रात मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ा द्रास में, वरना मैं आसानी से आराम से श्रीनगर पहुंच जाता बिकॉज द रोड्स आर सो गुड. सो आप यहाँ से ले से जस्ट पहले यहाँ पे आपका लमारियो है, ले से जस्ट पहले यहाँ पे लमारियो, लमारियो में वहाँ की मॉनेस्ट्री है जो आप देख सकते हैं ऑन द वे. जो अगर आप सब कुछ सही रहा और सुबह अगर आप टाइमली निकले तो आप लमारियो की मॉनेस्ट्री करते हुए भी इवनिंग तक, थोड़ा लेट इवनिंग तक आप ले पहुँच सकते हैं आराम से. और रोड बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा खींचना है बट ठीक है, मतलब वहीं चलाने में जो मज़ा है उसे तो. और ऐसे जब चारों तरफ ऐसे लैंडस्केप्स हों तो फिर तो मतलब मज़ा डबल ट्रिपल. वो कहते हैं ना लद्दाख बार बार जाने का क्यों मन करता है, बिकॉज ऑफ दोज लैंडस्केप्स. उस लैंडस्केप्स में जब आप बाइक चलाते हैं उसका तो मतलब इफ यू एंजॉय इट देन नो किलोमीटर इज टू मच यू नो. सो श्रीनगर से द्रास अगर आप चाहें तो कारगिल में भी रुक सकते हैं. मतलब आप अगर सुबह आप श्रीनगर से निकलोगे आप कारगिल इतने टाइमली पहुंचोगे आप खुद कहोगे यार कारगिल में रुकने क्या करते हैं, चलो ले चलो. सो थर्ड डे आई विल से यू रीच हियर. सो दिस इज द थर्ड डे, दिस इज द सेकेंड डे एंड दिस इज द फर्स्ट डे. थर्ड डे आप ले पे आते. सो आप जब शाम को पहुंच जाओगे अपने होटल में चेक इन करो, अपना नहाओ दो, उसके बाद आप शाम को बाहर निकलो, थोड़ा घूमो फिरो, अपना यू नो नाइट लाइफ एंजॉय करो. ले की थोड़ा मार्केट है, सब कुछ है, यू नो हैव अ गुड टाइम. बहुत अच्छे अच्छे खाने के जॉइंट्स भी हैं, फिर यू कैन हैव सम गुड फूड, चाइनीज, इटालियन, यू नो लेबनीज, बहुत सारे ऑप्शन हैं वहाँ पे. यू कैन हैव मतलब यू कैन चूज फ्रॉम लॉट एंड यू कैन एंजॉय द इवनिंग एंड द लेट नाइट ऑफ द ले. So on the fourth day, I'll say ki that in the early morning you go and get your permits done. और अगर आपके होटल वाला कुछ भी आप देख लेना, होटल वाला अगर सेटिंग हो वो करा दे या आप सुबह जाके अपना परमिट्स करा लो. वैसे तो अब सब कुछ ऑनलाइन भी हो जाता है तो अगर आप ऑनलाइन करा लो तो और भी बढ़िया, क्योंकि पहले से ही परमिट्स हैं. तो इन द मॉर्निंग यू कैन गो एंड सी द पैलेस इन द अर्ली मॉर्निंग एंड फ्रॉम देन यू कैन लीव टूवर्ड्स खड़दुंगला. तो फिर ले से आप अपना खड़दुंगला क्रॉस करके फिर आप डायरेक्टली खड़दुंगला क्रॉस करने के बाद आप डायरेक्टली फिर नुबराज निकल जाओ. तो फिर आप यहाँ पे आ जाता है नुब्रा. सो नुब्रा में ये आपका हो गया खड़दुंगला. सो ले टू नुब्रा इज लाइक 120 something kilometers, 125 kilometers. सो 125 kilometers ले जो बहुत डुएबल है, थोड़ी खड़दुंगला की चढ़ाई सॉलिड है, मतलब यू आर गोइंग टू द हाईएस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड. सो उसके बाद आप नुब्रा में आप पहुंच गए फोर्थ डे. सो फोर्थ डे आपने नुब्रा में पहुंच गए. सो यू ऑलरेडी कवर्ड दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, द्रास, कारगिल, लमायूं, ले. कुछ लोग इसमें जरूर डिबेट करेंगे कि यार सिर्फ किलोमीटर थोड़ा ना आपने अगर सब कुछ ढंग से नहीं देखा ये नहीं करा, ठीक है आई एग्री, पर हमारे पास 15-20 दिन 25 दिन की छुट्टियाँ नहीं है ना. पर हमें सर्किट भी करना है, हमें इंजॉय भी करना है, हमें बाइक लेके जानी है, वी वांट टू रोम अराउंड. मतलब एक होता है ना कि यार 10-15 दिन 20 दिन नहीं है तो क्या लेना जाए. मतलब कुछ होता है यार जो राइडर्स होते हैं ना जिनका, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको बस जाना होता है, नो दे एंजॉय द राइडिंग एंड ट्रैवलिंग. कुछ लोग होते हैं आई टोटली एग्री विद देम कि एंजॉय करें, एक एक दिन दो दो दिन एक एक जगह लगाएं पूरी ब्यूटी को. पर वो कहते हैं ना हम बार बार क्यों जाते हैं, बिकॉज हमें वो जो बाइक चलाने का और वो सब जो शौक है ना वहाँ पे, मतलब खींचे जा रहे हैं किलोमीटर्स, वो होता है यार, वो कनेक्ट होता है. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो कैन कनेक्टेड कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. पर आई एम नॉट डिनाइंग इट, जो लोग कह रहे हैं कि यार ये सब कुछ तो जल्दबाजी है और इसमें कुछ आप इन्जॉय नहीं करोगे, फेयर इनफ. पर आई डोंट हैव डेज बट आई वॉन्ट टू डू इट. सो मैं उस परस्पेक्टिव से लेके वीडियो बना रहा हूँ. पर ऐसा नहीं है कि आप उसे कुछ भी नहीं देखोगे. मतलब अभी आप देखो, आप जम्मू कश्मीर श्रीनगर में मैंने मैंने अपना जो शिकारा में घूमना था वो कर लिया. आई हैड गुड फूड, बाजवान, मैंने वो चीज़ कर ली. ओके आई डेंट गो टू द, वहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स हैं, मुगल गार्डन्स हैं और आपका चश्मे शाही है और आपका परी महल है. मैं ठीक है मैंने वो पार्ट नहीं करा, पर आई डिड फ्यू थिंग्स. उसके बाद मैं अपना जोजिला मैंने क्रॉस किया, द्रास, कारगिल होते हुए मैं लमायूं पे मैंने मॉनेस्ट्री भी देख ली. ले में आई एंजॉयड द नाइट लाइफ. मॉर्निंग में मैंने पैलेस भी देख लिया. देन आई वेंट टू खड़दुंगला टू द हाईएस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड, got my selfie or got my photos or whatever, and then I reached the Nubra. In Nubra you will get your old double hump camel rides. जो आप अगर timely पहुँच जाओगे तो आप शाम को भी कर सकते हो, अगर आपको दोबारा करना है तो आप early next day early morning भी कर सकते हो. उसके बाद आप आई fifth day की बात. तो fifth day जो हमारा target है वो है Pangong. तो Pangong is like, yeah, ये है आपका
charges. Pangong Lake, ये है Pangong Lake जो हमारा fifth day का target है. So fifth day, अब यहाँ पे आने का Nubra से आपके दो रास्ते हैं. एक आपका रास्ता यहाँ से भी है और एक रास्ता वापस आप ले आए और ले से आप Pangong आए और यहाँ पे आप जब ऐसे आओगे तो यहाँ पे you will cross the Changla. ये आप Changla करोगे जो सेकेंड हाईएस्ट पास थर्ड हाईएस्ट पास जिसको बोलते हैं आफ्टर टांगलंगला खडुंगला टांगलंगला Changla. उसके बाद यहाँ पे आओगे. ये जो आपका है ये है आपका शिव वाला रास्ता जो हर टाइम ओके नहीं होता है, हर टाइम खुला भी नहीं होता है. इसके बारे में आपको सॉरी ये यहाँ से नहीं आता, ये खडुंगला से पहले यहाँ से स्टार्ट होता है. जब आप Nubra की साइड से आ रहे होंगे तो खडुंगला से पहले ही वो रास्ता श्योक वाला रास्ता कट जाता है और उससे भी आप आ सकते हो. ये बिल्कुल आधे से ज्यादा रास्ता रिवर बेड पे है, पूरा रोड खराब रहता है, टूटा हुआ रहता है और अगर वहां पे नदी में पानी ज्यादा होता है तो रास्ता बंद भी होता है. तो उसके बारे में उसी टाइम जब आप जाओ तो लोकल से और वहां से आप इंक्वायर करो. इससे थोड़ा सा कम टाइम लगता है और कम टाइम तो नहीं मैं कह सकता, कम टाइम लगेगा क्योंकि रोड बहुत खराब है और पर यह है कि कुछ नया रास्ता है और कुछ एक नया रूट हो जाता है करने को, वापस वो रिपीटेशन नहीं लगता. दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल डू शो वाला रास्ता. मैंने अभी तक नहीं किया क्योंकि बाई चांस मैं जब भी गया हूँ वो रास्ता बंद था. तो आपके पास ये दो रास्ते हैं. अगर आप शो वाले रास्ते से आओगे तो ये है 156 किलोमीटर और अगर आप ले वाली साइड से आओगे तो ये है 265 किलोमीटर. नेचुरली करीबन 100-110 किलोमीटर का अंतर है पर रोड बहुत खराब है. तो पर तब भी मैं कहूँगा कि सब उन्होंने तो उसमें टाइम कम लगेगा, चाहे रोड मतलब अगर बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल ही खत्म है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. पर पीपल डू एंजॉय शो का रास्ता. बिल्कुल बैरन है और बहुत ही ज़्यादा नोमैडिक और चैलेंजिंग रास्ता है. सो लॉट ऑफ पीपल एंजॉय ये वाला रास्ता. एंड अगर आप सोलो राइडिंग कर रहे हैं तो आई विल से कि जस्ट बी केयरफुल श्योक वाले रास्ते से क्योंकि कुछ ज़्यादा ही खराब है एंड देर आर मेनी प्लेसेज जहाँ पे मैंने फोटोज देखी हैं, लोगों के वीडियोज देखे हैं, बिल्कुल रिवर बेड पे रास्ता है और सब टूटा पड़ा हुआ है. सो यू माइट नीड माइट गेट इन टू सम ट्रबल बट यू वैन यू नीड हेल्प. सो जस्ट केयरफुल. एंड सो हम पाँचवें दिन Pangong Lake पे आ गए हैं. अगर हम सुबह निकलेंगे तो आप शाम तक पहुँच जाओगे. एन्जॉय द इवनिंग इन Pangong Lake, enjoy the stay at Pangong Lake. वहाँ पे अच्छे खाना भी आपको मिल जाएगा, टेंट्स पे रुकने का भी है, वहाँ काफ़ी टेंट्स हैं जहाँ पे आप होम स्टेज भी हैं कुछ जहाँ पे आप रुक सकते हो. उसके बाद रात को ज़रूर बाहर निकलना एक बार. इफ़ यू इज अ क्लियर स्काई यू विल बी मतलब आप ना एकदम शॉक में आ जाओगे कि मतलब जब आप आसमान में देखोगे ना और इतने तारे, द व्यू लेक का व्यू तो अमेजिंग है पर रात को अगर आप 12-1 बजे उतरोगे ना जब बिल्कुल लाइट नहीं है नीचे कहीं भी और आप आसमान देखोगे मतलब यू विल बी ब्लोन अवे द ब्यूटी ऑफ द स्काईज. आई ऑलवेज से कि अगर रात को एक बार निकल के आसमान को जरूर देखना कि जो ब्यूटी है ना वो अमेजिंग है. ओके सो द फिफ्थ डे इज डन. सो गाइस सिक्स्थ डे हम Pangong से निकलते हैं. अगर आप बहुत सुबह जल्दी निकल जाओगे तो आप Pangong से होते हुए आप पांग भी आ सकते हो जो अराउंड 260 किलोमीटर है. और अगर आप Pangong से थोड़ा लेट निकलते हो सुबह, वहां पे टाइम लगता है, एंजॉय करते हो जो भी करते हो, तो आप उपशी तक भी आके रुक सकते हो जो 125 किलोमीटर है पांग से. सो Pangong टू उपशी लाइक अराउंड 125 किलोमीटर. अगर आप लेट निकलते हो तो आप उपशी आगे रुक जाओ और अगर आप सुबह जल्दी निकलते हो तो आप पांग भी आगे रुक सकते हो 260 किलोमीटर से अराउंड आपके Pangong से. उसके बाद आप आते हो पांग से, यू कैन कम टूवर्ड्स यहाँ पे आप बारा लाचला. बारा लाचला क्रॉस करते हुए आप आ सकते हो यहाँ पे आपका जिस्पा, या फिर जिस्पा से थोड़ा सा आगे केनाओ. तो पांग या सिक्स डे आप रुक सकते हो यहाँ पे, या सिक्स डे आप रुक सकते हो यहाँ पे उपशी पे रुक सकते हो, पांग में रुक सकते हो. डिपेंड्स कि आप कितने किलोमीटर उस दिन कवर करना चाहते हो और आप Pangong से कितना लेट निकलना चाहते हो. सेवन डे आप पांग से क्रॉस करते हुए, बारालाचला क्रॉस करते हुए जिस्पा या किलोंग भी आ सकते हो और उपशी से भी आपको थोड़ा सा जल्दी निकलोगे क्योंकि उपशी में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सुबह जल्दी निकलो तो भी आप जिस्पा और किलोंग आ जाओगे. इट ऑल डिपेंड्स, अगर पांग से निकलते हो तो आप थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाओगे, उपशी से निकलोगे तो नेचुरली थोड़ा सा लेट पहुंचोगे. तो सेवन डे आप बारालाचला को क्रॉस करते हुए
जिस पर आया किलोंग, तो 7 डे आप 5 से किलोंग या जिस पर विच इज अराउंड 300 किलोमीटर फ्रॉम उपशी. सो इफ यू द मैक्सिमम इफ यू वांट टू डू ऑन 7th डे सो फॉर द 7 डे जो आप मैक्सिमम अगर करना चाहते हो उपशी से लेके केलोंग या जिस पर केलोंग और जिसमें में बहुत ज्यादा किलोमीटर का अंतर नहीं है तो मैं थोड़ा एवरेज लेके चल रहा हूँ. सो उपशी से लेके केलोंग तक इट्स लाइक 300 किलोमीटर. पर अगर आप पांग आ जाते हो उस दिन तो पांग से लेके केलोंग इज जस्ट लाइक सो उपशी से लेके केलोंग इज लाइक 300 किलोमीटर और पांग से लेके अगर आप केलोंग आओगे यहाँ से लेके अगर आप यहाँ पे आओगे नेक्स्ट डे सो दैट विल बी अराउंड 300 में से आप करीबन 150 निकाल दो तो आपका बचता है करीबन 150 किलोमीटर. अगर आप 5 से लेके किलोंग आते हो तो अराउंड 150 किलोमीटर बचता है. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप पैंगोंग से कितने बजे निकलते हो, उस दिन आपने कम चलाया नेक्स्ट डे आपने थोड़ा ज्यादा चलाया, या उस दिन आपने थोड़ा सा ज्यादा चलाया और नेक्स्ट दिन आपने थोड़ा कम चलाया. तो इट ऑल डिपेंड्स. आप ये थोड़ा बहुत तो ऑन द मतलब जब आप ट्रिप पे हो गए तो नेचुरली ये तो एक मैंने आपको एक बताया जो मैंने भी करा है. पर कभी कभी क्या होता है कि कभी मौसम खराब हो जाता है या कभी कभी मन नहीं करता है, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आप लेट जाते हो. तो वो तो जब आप ट्रिप पे हो गए तभी डिसाइड करोगे कि यार आज ज्यादा खींचनी है या कम खींचनी है. मतलब यू कैन एडजस्ट, एक दिन ज्यादा चलाई अगले दिन थोड़ी कम चलाई. तो उसके बाद केलोंग से यू गो टू मनाली विच इज लाइक 140 किलोमीटर. यहाँ पे आप अपना रोहतांग क्रॉस करेंगे. रोहतांग क्रॉस करा आपने केलोंग से मनाली के बीच में और फिर ये हो गया आपका 7th और ये हो गया आपका 8th डे मनाली और फिर 9th पे आप पहुंच गए वापस दिल्ली. सो आप मनाली 8th दिन पहुंच गए और फिर मनाली के बाद आप नेक्स्ट डे आप पहुंच गए दिल्ली. ये है आपका अराउंड 500 किलोमीटर. तो अब ये जो पूरी आइटनरी है ये हो गई आपकी 9 दिन में कंप्लीट. अब मैंने कहा था 10 दिन पर 9 दिन में आपको कंप्लीट कर दी. अब इसमें जो आपके पास एक दिन है एक्स्ट्रा जो मैं आपको बोल रहा था वो आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो. ये मैंने इस तरीके से करा है कि अगर जैसे जो मैं बोल रहा था आपको श्रीनगर से ले आप एक दिन में कर सकते हो आसानी से. अगर आपको रुकना है तो आप एक दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा रुक जाओ तो आपके पूरे 10 दिन हो जाएंगे. पर अगर आपने खींच लिया उसके बाद अगर आपको नुब्रा ज्यादा पसंद आ रहा है एक दिन वहां पे रुक जाओ, नुब्रा में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ लो. पर अगर आपको वापस आ रहे हो कि नहीं यार नुब्रा से मेरे को लेह में एक दिन एक्स्ट्रा रुकना है तो आप यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा रुक जाओ. उसके बाद अगर आप कहते हो कि नहीं यार मेरे को पैंगोंग में रुकना है या मेरे को मनाली में आते वक्त एक दिन एक्स्ट्रा रुकना है तो आप वो एक दिन कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो. सो इन 10 डेज यू कैन कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग लाइक ऑल द जो मैंने आपको पहले बताया था जो जो सब चीजें इंपॉर्टेंट है. सो गाइज ये थी वो 10 दिन की आइटनरी जो आपसे शेयर करना चाह रहा था कि जिसको आप 9 दिन में कवर कर सकते हैं और जो एक दिन में एक्स्ट्रा रखना चाह रहा था वो आप अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं जो भी जगह आपको पसंद हो. यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि यार यहाँ पे रुक जाते ना एक दिन तो मजा आ जाएगा. यू नो यार एक दिन यहाँ पे और होता ना तो वो वाली फील आ जाती. तो यू हैव योर 1 डे, यू नो यू कैन पुट इट एनीवेयर वेयर यू वांट टू और इफ यू डोंट वांट टू यू कैन फिनिश इट इन 9 डेज, यू नो. सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो और जैसे भी मैं अपने चैनल्स में आजकल वीडियोज डाल रहा हूँ आई होप यू आर लाइकिंग माई जर्नी ऑन माई चैनल की जो भी मैं वीडियोज डाल रहा हूँ. इफ यू हैव एनी सजेशंस और एनी थिंग डू राइट इन द कमेंट्स एंड सोन आई विल बी कमिंग अप विद सम मोर वीडियोज. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने रिसेंटली अपनी एक राइड करी थी जो बड़ी मैं कहूँगा वन ऑफ द टफेस्ट राइड थी मेरी 5 डेज की जिसमें मैंने चांगथांग कवर किया. दैट्स इन 5 डेज, यू नो. तो ट्रिप की आइटनरी मैं पहले शेयर करूंगा अपने फर्स्ट अपकमिंग वीडियो में कि जिसमें मैं आपको पहले सिर्फ अपने जो मेरे 5 दिन कैसे कहाँ पे रुका कहाँ कहाँ गया उस बारे में शेयर करूंगा और फिर आने वाले टाइम पे आई विल बी कमिंग आउट विद द कंप्लीट जर्नी ऑफ दैट राइड टू यू. सो गाइस कीप वॉचिंग फाल्कन राइडर्स एंड डू सब्सक्राइब यू आर नॉट सब्सक्राइबर एंड टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन. एंजॉय, हैव फन, टेक केयर.